सचिन जिंदगी है लेकिन विराट कोहली मेरी पसंद है, दिन रात उसे देखती रहती हूँ। ये शब्द जो आपने अभी सुने ये शब्द हैं सीमा हैदर के। दरअसल इन दिनों इंडिया में वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, फैंस के बीच वर्ल्ड कप को लेकर काफी जोश नजर आ रहा है। भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के 37वें मैच में साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराकर इस विश्व की लगातार 8वीं जीत हासिल कर इस वर्ल्ड कप में नंबर वन क्रिकेट टीमों में शामिल हो चुकी है। इंडिया की लगातार जीत के बाद सीमा हैदर एक बार फिर विराट कोहली को अपनी पसंद बताते हुए चर्चा में आ गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड कप में जीत के बाद सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में क्या क्या कहा। अपनी लव स्टोरी को लेकर सीमा हैदर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में चर्चित हो गई है। नेपाल के जरिए भारत आई सीमा हैदर अब ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी और पति सचिन मीणा के साथ नए घर में रह रही हैं। सीमा हैदर ने अपने दिल की बात बताई है और टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली को लेकर दिलचस्प बयान दिया है। दरअसल सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब नया घर बनने के बाद उन्हें खास मेहमान का इंतजार है। सीमा हैदर ने इसको लेकर बताया कि वो विराट कोहली को बेहद पसंद करती हैं और उनकी फोटो अपने कमरे में रखती हैं, उनसे मिलने का उन्हें इंतजार है। वहीं जब इंटरव्यू में सीमा से पूछा गया कि आप कमरे में विराट कोहली को दिन रात देखती रहती हैं तो सचिन इसको लेकर जलते नहीं हैं, तो इस पर सीमा ने जवाब देते हुए कहा कि सचिन उनकी जिंदगी है जबकि विराट कोहली को वो पसंद करती है। सीमा हैदर ने इस दौरान एक कॉफी मग भी दिखाया जिस पर विराट कोहली की तस्वीर बनी हुई थी। सीमा हैदर ने कहा कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके पति सचिन मीणा भी विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं। वहीं सचिन से जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में विराट के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो खुद भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए अगर उनकी पत्नी विराट को पसंद करती है तो इससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। बता दें सीमा हैदर और सचिन मीणा अपने YouTube ब्लॉग चैनल चलाते हैं जिस पर हर दिन वो अपने घर और जीवन जीने के तरीके को बताते और दिखाते हैं। बीते दिनों करवा चौथ के मौके पर सीमा हैदर ने बताया कि YouTube से पहली कमाई होने के बाद सचिन ने उसे सोने का मंगलसूत्र गिफ्ट में लाकर दिया था, अपने लिए 10 रुपए का भी कोई सामान नहीं खरीदा था। जब सीमा से पूछा गया था कि YouTube से उनकी पहली कमाई कितनी हुई तो सीमा हैदर ने बताया था कि YouTube से उन्हें पहली बार 40,000 से ज्यादा पैसे मिले थे। आपको बताते चले कि सीमा हैदर आए दिन किसी ना किसी चीज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, कभी सचिन के साथ वीडियो बनाते हुए तो कभी सोशल मीडिया पर करवा चौथ के वीडियो को शेयर करते हुए सीमा हैदर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। और इस बार जिसको लेकर वो चर्चा में है वो है विराट कोहली पर दिया बयान। फिलहाल सीमा हैदर के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ बुक के साथ।